अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कोयटा में बैठे हैं और मैं आपको बता दूं कि कोयटा का मौसम कदरे हब्स है और इसकी एक वजह ये भी है। अहले कोयटा कहते हैं कि कराची वाले हमसे अपना कोई बदला ले रहे होते हैं, जब सर्दियाँ आती है तो हम उनको ठंड बेचते हैं, तो इसलिए वो जून और जुलाई में अपना बदला लेने के लिए हमें शदीद किस्म का हब्स बेचते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत गर्म है। हमारा आज जो आगही भी जलीला हैदर का सीरीज़ है, इसमें हमने आइन पाकिस्तान उठाया और इंटरेस्टिंगली मुझे अपने एक आइन के एक उस्ताद की बात याद आ गई जो कॉलेज में हमें पढ़ाते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान का आइन वो वाहिद आइन है जिसको जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है, मगर उसको जो सस्पेंड करता है या मुअत्तल करता है वो फौजी आमिर करता है। खैर, ये तो एक लाइटर नोट की बातें हैं। पाकिस्तान का जो आइन है आर्टिकल 8 से 28, वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ की बात करता है और इसमें शहरियों के ज़िम्मे भी कुछ ज़िम्मेदारियां है, जैसे रियासत से वफादारी और रियासत के बने हुए कवानीन की पासदारी करना। अब आर्टिकल 8 से 28 क्या है, ये मैं अपने अगले वीडियो सीरीज़ में वन बाई वन हर आर्टिकल का जिक्र करके आपको बताऊंगी कि वो क्या है, और अगर उनमें से कोई भी चीज़ रियासत अपने फ़राइज़ अदा ना कर पाए तो शहरी का हक है कोई भी शख्स वकील हो या ना हो आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर करके इन शिकों पे अमल दरामद करा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद आगही विद जलीला हैदर और जानिए अपने हकूक़ को, अपने शहरी और बुनियादी हकूक़ को, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।